अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपनी गलती की सजा हम किसी और को नहीं दे सकते, घर वालों की मासूम उम्मीदों और इस पवित्र पूजा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम ये फेरे नहीं ले सकते। बेटा पहले बहू को उठाओ, मरहम पट्टी बहुत जरूरी है, रस्म बाद में हो जाएगा, चलो उठाओ। ऐसी बात कर रहे हैं आप है? रस्म को बीच में रोकने से आप सकुन होता है। बहुआ ऐसा करो, एक गोद में उठाओ और फेरा पूरा करवाए। हमारी तरफ कहा देख रहे हो, उठाओ ना और फेरा पूरा करो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि। तुम्हें गोद में उठाना पड़ रहा है, ऊपर से तुम अपना मुंह खोल के मेरा दिमाग और खराब कर रहे हो। मन कर रहा है कि यहीं किसी खाई में फेंक दो। एक दीजिए अमन जी, अच्छा हमारा प्रायश्चित ना एक बार में पूरा हो जाएगा। ऐसे भी हमारी जिंदगी एक सजा है, इसके साथ रहेंगे उसको भुगतना पड़ेगा। अमन जी हमें ना ये करना पड़ा, हम नहीं चाहते थे कि किसी अपने पर आ जाए, इसलिए हमने सोचा जो भी मुसीबत आनी हो हम पर आ जाए। नमन जी सॉरी, मैं माफ कर दीजिए प्लीज। चुप, एकदम चुप। कि बाहर बनने की एक्टिंग और डायलॉग बाजी अपने पास रखो, ये सब सुन के मुझे चिढ़ होती है, इसलिए तो ये नाटक अपने पास रखो। बोले चीची, हमको तो ये दुर्घटना नहीं लग रही, ऐसा लगता है कि बहुरिया कोई खेल खेलने की कोशिश कर रही है। मेघना तुमको लग रहा है, लेकिन हमको तो पूरा यकीन है कि बहुरिया कुछ कच्चा दे रही है। राजकुमार, लेकिन हम भी राजकुमारी सिंह हैं, और राजकुमारी सिंह के राज में वही होगा जो राजकुमारी चाहे। एक बार वो राज हमको पता चल जाए ना, फिर तुम देखना कैसे नरेश सिंह और उसके खानदान पर कहर बन के बरसेंगे हम। ये सुने ना, तो मेमना है आपके सामने, देख लेना सारा सच उगल देगी।
चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बाकी घाव दो चार दिन में भर जाएगा, आप इन्हें आराम करने दें। थैंक यू डॉक्टर, आइए आपको बाहर तक छोड़ दें। चलो अच्छी बात है, इलाज हो गया। असली इलाज की तो इसे आप जरूरत है, अरु है पति का प्यार। आज से तुम एक ख्याल रखोगे, चल अभी कोठा के ऊपर लेकर जा। जा। मैं कोई कुली हूँ क्या जो बार बार उठाऊंगा? अरे छोटी सी चोट है, पर ये है ना ऋतु मान्यता, ले जाएंगी पकड़ के रूम तक। खुद में उठाओ, खुद में उठाओ। एक नंबर का बेहुदा होता जा रहा है ये लड़का, हम तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड आ गए हैं। अरे आप शांत हो जाइए ना जी, अरे किसी बात से परेशान है बेचारा, आज नहीं तो कल वो बात भी बताएगा और ठीक भी हो जाएगा। अरे राजकुमारी सिंह अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करती है, हम खुद ब खुद अच्छा वक्त लेकर आएंगे, देखना कैसे हम अपने हाथों से सब ठीक करते हैं। हाँ माँ, हम ठीक है बिल्कुल। वो तो हमें दिख रहा है तुम कितनी ठीक हो बिटिया, काहे अपने आप को इतना दर्द दे रही हो? सुने ना, यही सही वक्त है, हमारी बात सुनो और हिम्मत करके वहां से निकल जाओ, पतियां आ जाओ, थोड़ी सी कोशिश कर लो बिटिया। आपने आपको बताया ना नमन जी बहुत बदल गए, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से कब और कैसे निकल पाएंगे। अब हम आपसे बाद में बात करते हैं, अभी अभी के लिए फोन रख रहे हैं। सुन जी का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। पापा आपको खेल खेलना है, मेरे लिए जीतना है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। देवी मैया, हमारी बिटिया बहुत तकलीफ में है, उनको आपकी मदद की जरूरत है, कोई रास्ता दिखाओ।
ये धोखा है नमन। सुनैना ना ही मर्द है और ना ही औरत, वो एक किन्नर है। किन्नर यू यू डिजर्व दिस। जो पाप तुमने अपनी माँ के साथ मिलके किया है उसकी सजा है। तो अंजलि आपकी हर सजा मंजूर है, बस प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। प्लीज तुम्हें छूने के बाद नहाने का मन करता है मेरा। जी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? नींद चैन सब हराम हो गया हमरा। बेटा हाथ से निकला जा रहा है बर्बादी के रास्ते। जब तक हम कारण का पता नहीं लगा लेंगे ना, हम चैन से सो नहीं पाएंगे। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए। ना। अरे ठीक हो जाएगा। तुम्हारी वाइफ ना ही लड़की है और ना ही लड़का, वो एक किन्नर है। अमन जी प्लीज इस वक्त बाहर मत जाइए। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। बताए ना क्या हो तुम? यह बार बार याद दिलाना पड़ेगा। देखते हैं, आ रहे हैं। सॉरी माँ, वो आपकी नींद खराब करने के लिए। वो नींद नहीं आ रही है, बाहर जाना है। अरे लेकिन नमन बेटा इतनी रात में? अरे बाहर मत जा बेटा इस समय,
बेटा अगर तुम्हें ड्रिंक चाहिए ना तो चाचा के कमरे में चले जाओ, इस समय बाहर मत जाओ। चले दीजिए, खड़े कहो, जाओ जाओ। नमन बेटा, अभी तो आप चिंता कर रही थी, आप उसको खुद ही जाने दी। सुनैना, चलो उठो, अपना सामान बांधो, हम तुम्हें तुम्हारी मां के पास छोड़कर आते हैं। कि तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भी और बहुआ के लिए भी ठीक नहीं है। तुम नमन की फिक्र ना करो, तुम जाओ, फिर हम उसका इलाज करेंगे और जब वो सुधर जाएगा तब हम तुमको बुलवाएंगे। चलो पैकिंग शुरू करो। जब तक मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से उनके किए का बदला ना ले लूं, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, समझी? ये सोचने बूझने का वक्त नहीं है, जल्दी से पैकिंग करो और रवाना हो यहां से। ये कहां है? गंगा जमुना बहाने लगी? हमेशा के लिए नहीं भेज रहे हैं तुमको, बोला ना हम बुलवा लेंगे। चलो जा। माफी चाहते हैं, इतनी रात गए हम आपकी बिटिया को छोड़ने चले आए, पर क्या करें, हमारे पास कोनो चारा ही नहीं था। क्या हुआ, कोनो गलती हो गई सुनैना से? गलती या कारण, अगर हमको पता होता तो हम पहले ही समाधान ढूंढ लिए होते। ना तो आपकी बिटिया ने कोनो गलती बताई है और ना ही हमरे बउआ ने कारण कि वो सुनैना का चेहरा खाए नहीं देखना चाहता, इसलिए हम सोचे कि सुनैना का मायके में रहना ही ठीक होगा, जब तक कि बउआ का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। राजकुमारी जी,
भीतर आइए ना आप, ऐसे नहीं समदन जी, खातिरदारी का ना तो वक्त है और ना ही मौका। आप अपनी बिटिया को संभालिए, हमें भी अपने बाबा को संभालना है। चलिए प्रणाम। प्रणाम। चल रही है बेटा। हाँ। अरे ही काहे को मुंह दे दी, अरे सुने ना ई भगत घर में हो भी इस सामान के साथ। का हुआ इसके ससुराल वाले इसको वहां से बाहर फेंक दिए का, या फिर खुद ही भाग के आई है? मम्मी जी आई थी छोड़ने। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी, अरे हमारा मतलब है राजकुमारी जी। अरे कहाँ हुआ वो, चले गई का? देखो मुझे दीदी कहाँ है, हमारे घर में कोनो भिखारी भी आता है वो भी बिना खाए पे नहीं ना चाहता है, और सुना ना कि सास और बिना पानी पिए ही चली गई। हाँ बताइए तू, जरूर सुनैना ही कुछ की होगी, तभी तो राजकुमारी आंटी को हमारे घर का पानी पीना भी गवारा नहीं हुआ। बताओ सुनैना, ऐसा क्या की हो तुम? कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चलो सुनैना, चलो।